लाहौर में गाड़ी या मोटरसाइकिल चलानी है तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर भारी जुर्मानों का खौफ। शहरियों की बड़ी तादाद ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर पहुंच गई। सीटीओ ऑफिस में शहरियों का रश। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस का अहम इकदाम। शहरी अब इतवार के रोज भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस इजरा सेंटर्स के औकात काल में भी इजाफा कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक और इतवार को दोपहर 1 बजे तक खुले रखे जाएंगे। एमटेक का हुसूल शहरी ख्वार। मोटरवे पर एमटेक के हुसूल के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें। काला शाखा को रावी टोल प्लाजा और मुरीद के इंटरचेंज पर एमटेक बूथ कायम। रश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। कहते हैं कि एमटेक लगवाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वालों की शामत आ गई। शहरियों के धड़ाधड़ 2-2 हजार रुपए के चालान काटे जाने लगे। 20 रोज में वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 35,555 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के 5 रोज में 4,660 गाड़ियों के चालान, जबकि 24,000 से जायद शहरियों को वार्निंग। महंगाई का जिन बेकाबू। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया रोजाना महंगी होने लगी। हफ्तावार महंगाई की शरह 18.58% रिकॉर्ड की गई। 19 अशिया जरूरिया भी महंगी। रवां हफ्ते दाल मसूर 6.18 रुपए, दाल माश 7.07 रुपए, दाल चना 4.20 रुपए फी किलो महंगी, जबकि दाल मूंग की कीमत में 3.85 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। लहसुन प्याज आलू चावल और कुकिंग ऑयल भी महंगा। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। एंटी करप्शन ने 70% तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया। एलडीए और एंटी करप्शन का मुश्तरका तौर पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जबकि शोभा टाउन प्लानिंग के 6 जोन्स को फिजिकल सर्वे के अहकाम दिए गए, जबकि तमाम जोन्स को 15 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया। पहले फेज में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, जोहर टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी और इकबाल टाउन का सर्वे किया जाएगा। एलडीए सिटी अपार्टमेंट्स के अलाटियों के लिए बड़ा रिलीफ। तामीराती लागत में इजाफे का बोझ एलडीए इंतजामिया खुद बर्दाश्त करेगी। पंजाब हुकूमत ने तखमीना लागत में इजाफे का बोझ अवाम पर डालने की इस्तदा मुअत्तल कर दी। एलडीए इंतजामिया फी अपार्टमेंट 7,03,000 रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। डीजी एलडीए के मुताबिक लाग में इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं डालेंगे। रेस्क्यू सर्विस की तेज़ रफ्तार फराहमी की जानिब अहम इकदाम। वज़ीर-आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कंप्यूटर का बटन दबाकर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। वज़ीर-आला पंजाब ने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन से एमरजेंसी की सूरत में बर वक्त रेस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू एम्बुलेंस जल्द शुरू की जाएगी। बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने का मिशन। 13 दिसंबर से लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और गुलकार वारिस बेग ने मियामीर अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। पोलियो मुहिम में 18 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंतजामिया को मुहिम कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। अवाम ने इमरान न्याजी के खिलाफ चालान काट दिया। अब एहतसाब होगा, उन्हें भागने नहीं देंगे। इमरान न्याजी अब इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। फॉरेन फंडिंग केस खुला तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आज महंगाई की शरह 18% है। रिकॉर्ड महंगाई पर उनको शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की हुकूमत पर वार। शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट में पेश। एफआईए के वकील ने दलाल दिए कि
केस का चालान तैयार कर लिया है, मुतालिका अदालत के सामने पेश करेंगे। बैंकिंग कोर्ट के पास केस को सुनने का इख्तियार नहीं है। जज ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्तें यहाँ जेर समात हैं, चालान किसी और केस में कैसे जमा करवा सकते हैं। अदालत का दुरुस्त मुआवनत ना करने पर एफआईए के वकील पर बरहमी का इजहार। एफआईए को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। डॉलर 200 रुपए तक जाने की खबरें हैं। नाअहल टोला मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहा है। हुकूमत इंतकाम लेने की सिवा कुछ नहीं कर रही। राणा सनाउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुनज़िम होने से हमें कोई खतरा नहीं। आसिफ अली जरदारी का बयान नामुनासिब है, वोट के नतीजे को तब्दील नहीं तस्लीम करें। मुनशियात बरामदगी केस में राणा सनाउल्लाह अदालत में पेश, केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। ऑपोजिशन वेंटिलेटर पर है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन है, दुनिया तेजी से बदल रही है, हमें खुद को तैयार करना होगा। इदारों में इस्लाहात करने के लिए इकदामात किए गए हैं, तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की गुफ्तगू। अवाम से किया हर वादा पूरा करेंगे, मुल्क में गैस के नए ज़खायर तलाश कर रहे हैं। घरेलू और कमर्शियल सेक्टर को गैस की फराहमी जरूरी है, सूबाई वज़ीरे सनअत और तजारत की गुफ्तगू। मियां असलम इकबाल ने न्यू मजंग में नई गैस पाइपलाइन के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। न्यू मजंग और रसूल पार्क की तमाम गलियों में 4000 मीटर बोसीदा पाइपलाइन तब्दील की जाएगी। पंजाब को कोरोना से महफूज बनाने का अज़्म, सूबाई वजीर सेहत का इकबाल एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी जौहर टाउन में नए वैक्सीनेशन मरकज का इफ्तिताह। अवाम को घर घर जाकर उनकी दहलीज पर वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करेंगे। रीच एवरी डोर वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे मरहले के दौरान रोजाना 8 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है।